নমস্কার, আমি পূর্ণিমা, আপনারা দেখছেন খবরিয়া 24। অপরদিকে পুলিশ না ধরায় রাস্তা অবরোধ করল জুট মিলের শ্রমিকরা। গত 17 নভেম্বর প্রকাশ্য দিবালকে ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুট মিলের সামনে ওই জুট মিলের শ্রমিক রাম বাহাদুর রাজভার নামে 86 বছরের একজন জুট মিল শ্রমিককে ছুরি মেরে খুন করেছিল রামবাবু রাজভর নামে তারই প্রতিবেশী। কিন্তু এতদিন কেটে যাওয়ার পরও ভাটপাড়া থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে না পারায় স্থানীয় বাসিন্দারা ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুট মিলের সামনে ঘোষপাড়া রোড অবরোধ করে। এরপর ভাটপাড়া থানার পুলিশ অভিযুক্তকে শীঘ্রই গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেওয়ার পর অবরোধ ওঠে। पहला में किसी से भी पूछिए, छठ पूजा होता था, दुर्गा पूजा होता था, वॉलंटियर के काम करते थे, हमेशा सीधा साधा आदमी को खुलियाम रास्ता में दौड़ा दौड़ा के मारा है, जंगल जरात जैसे आ गया यहाँ पर। एकदम घटना क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा मोहल्ला में झगड़ा हुआ था, हम लोग घटा बढ़ा दिए, उसका भाई एकदम दिमाग में रख लिया था कि हम लोग को एकदम कष्ट देना है, घर संसार हम लोग को बिगाड़ देना है, बस यही दिमाग में रख के वो कांड किया है। एकदम भैया मिल से छूटे, साइकिल पे थे, भैया को अच्छा से रोक कर बात किया है, आदमी आम आदमी सोचा कि अच्छा से बात कर रहा है, कोई मैटर पे इसी तरह बात हो रहा है। आज क्यों हुआ है, पुलिस 6 दिन हो गया कोई एक्शन नहीं लिया है, अभी तक नहीं पकड़ा पुलिस, फिर इसका कौन भरपाई करेगा, फिर हम लोग आदमी लोग काम जाएगा, बच्चा लोग ट्यूशन पढ़ने जाएगा, बाजार दुकान करेगा, फिर वही कांड करेगा तो कौन रिस्क लेगा इसका, फिर वही घटना होगा, तो इसीलिए औरत की है। 6 दिन हो गया पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, ना हम लोग से पूछने आया कि क्या हुआ क्या नहीं, वो कुछ पूछने नहीं आया। हम लोग राम बाबू को फांसी की सजा देना चाहिए, पिंटू राजभर, सुमन राजभर लोग खुलेआम घूम रहा है, प्लानिंग कर रहा है फिर मारने के लिए घर के लोगों का, इसका दायित्व कौन लेगा, कौन लेगा इसका दायित्व? रूपा राजभर। এখনকার মতো খবর এ পর্যন্ত, পরবর্তী খবরের জন্য নজর রাখুন খবরিয়া 24-এ। নমস্কার।